हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 7 के क्वेश्चन से बताऊंगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में है क्वेश्चन, विलियम जॉन्स एक स्पेस थे तो खाली स्थान पर होगा जज एवं भाषाविद थे। ख नंबर में है लॉर्ड मैकॉल स्पेस शिक्षा के पचघर थे, खाली स्थान पर होगा अंग्रेजी। ग नंबर में है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना स्पेस ने की, खाली स्थान पर होगा विलियम जॉन्स। घ नंबर में है वुड डिस्पैच स्पेस ईस्वी में जारी किया गया था, खाली स्थान पर होगा 1854। अंग नंबर में होगा शांति निकेतन की स्थापना डैश ने की थी, खाली स्थान पर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। च नंबर में है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई डैश से होती थी, खाली स्थान पर होगा बेल लिपि। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर, पहला नंबर में विलियम जॉन्स व कोल ब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे। आंसर है जॉन्स और कोल ब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। उनकी राय ने भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उन्हें विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इसलिए यह प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर देते थे। आंसर दूसरे नंबर का, कंपनी अंग्रेजों को पश्चिम ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी। तो आंसर है हमारा 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। इसी कारण कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहती थी। तीसरे नंबर में वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो अब चार नंबर में क्या है क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकॉल के क्या विचार थे। तो चलिए मैकॉल के विचार के बारे में जानते हैं। तो आंसर है मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा को न्याय संगत ठहराने हेतु कहा था कि इसका मकसद भारतीयों की ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो कि खून और रंग से भारतीय हो लेकिन पसंद आचार विचार बुद्धिमान और राय से अंग्रेज हो। पांच नंबर में है अंग्रेजों की सभ्यता मिशन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है अंग्रेज मानते थे कि उन्हें भारतीय समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। वे भारत को असभ्य देश मानते थे और सभ्यता का पाठ पढ़ना जरूरी समझते थे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा चैप्टर 7 कम्प्लीट हो चुका है।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।